New Hindi High Secondary School, New Capital Complex, Agartala, Tripura, तरफ से हम लोग प्रे किया. तुर्की में जो आज बम ब्लास्ट में जो खून बहाया, इसको हम लोग हर टाइम स्कूल का तरफ से किलिंग के विरुद्ध में हम लोग प्रे करता है. इस आज के जो मानव संतरास के विरुद्ध में हमारे स्कूल हमेशा से ऐसे संतरास के विरुद्ध में हमेशा से हमारे स्कूल विरोध करती रही है. ये मानव हत्याएं जो संसार में हो रही हैं, आज सुबह की घटना है. सुबह करीब हमारे भारतवर्ष के टाइम के अनुसार करीब 3:30 बजे ये दुखद समाचार हिंदुस्तान में फैला कि तुर्की में एक मानव हत्या हुई है. बम ब्लास्ट के द्वारा जो मानव का जो खून किया गया, इसके विरुद्ध में हम सब मिलकर के एकजुट होकर के इस मानव हत्या को रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए. हमारा मानव धर्म है और इस धर्म के लिए हमें सब एक साथ मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए. और इस तरह की हत्याएं जो हो रही हैं पूरे विश्व में, इसके खिलाफ विशेष रूप में हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में हमारे एक छोटे से राज्य त्रिपुरा में, और त्रिपुरा के छोटे से एक स्कूल जो अभी हम अभी जिस स्कूल से बात कर रहे हैं, हमारे स्कूल का नाम है न्यू हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वाला बस्ती कैपिटल कम्प्लेक्स, उसमें आज हमने इस संतरास के विरोध में, मानव हत्या के विरोध में अपने स्कूल में मौन किया. और इस विरोध, इस हत्या के विरोध में हमने पूरे विश्व में यह संदेश फैलाया अपनी छोटी स्कूल के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से. हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी ने आज इस संवाद संचार को बुला करके और इस संवाद के द्वारा इस मानव हत्या के विरोध में जो संदेश दिया है, ये हम चाहते हैं कि जन जन में और हर इंसान के अंदर ये पहुँचे. और कहीं भी किसी भी रूप में मानव हत्या और ये संतरास जो फैल रहा है इस दुनिया में, संसार में, इसको रोकने का प्रयत्न किया जाए. और हम इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं. हम जितना बन सकता है अपने स्कूल की तरफ से, अपने मोहल्ले की तरफ से, हमारे प्रधानाचार्य श्री उमिया सिन्हा जी इस घटना से बहुत ही दुखित हैं. और सुबह ही आकर उन्होंने हमें बताया कि सर आज ऐसी ऐसी घटना है, हमने संवाद माध्यम को बुलाया है और इस संवाद माध्यम के द्वारा हम सिर्फ त्रिपुरा में ही नहीं, हम पूरे संसार में ये संदेश देना चाहते हैं कि इस हत्या को रोकने के लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबका कदम आगे उठना चाहिए. और ये बहुत ही दुखद और मानव जाति के लिए, मानव धर्म के लिए और पूरे संसार के लिए, पूरे संसार के उन्नति के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही घृणित ये घटना है. इसको रोकने का हम सब मिलकर के, विशेष करके हम अपने स्कूल की तरफ से, प्रधानाचार्य जी की तरफ से, हमारे विद्यार्थियों की तरफ से, हमारे स्कूल में जो शिक्षिकाएं हैं उन सब की तरफ से ये हर मानव को ये अनुरोध करना चाहेंगे, विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप सब मिलकर के, एकजुट होकर के संसार के इस अधर्मीय काम को, इस संतरास को मिटाने के लिए एकत्र होएं. और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये एक तरफ से अगर कदम उठेगा तो इस कदम के साथ हजारों लाखों करोड़ों कदम उठ करके आगे आएंगे और इस संतरास को रोकने के लिए, संतरास से मुक्ति पाने के लिए ये सब एकजुट होकर के काम करेंगे. आज हमें बहुत ही दुख हो रहा है इस घटना को सुन करके. ये जो सुबह की घटना है ये एयरपोर्ट में हुई है और एयरपोर्ट में ये घटना होने का मतलब है कि देश विदेश से लोग जाते हैं एक दूसरे अपनी रोजी रोटी के काम में, छुट्टी बिताने घर आती हैं, फिर जब वो अपने कर्म स्थान पर जाते हैं. और इस तरह की ये घटना जो हुई है उसमें देश विदेश के लोगों के साथ में हमारे हिंदुस्तान का भी एक व्यक्ति है, उसके बारे में भी ये समाचार हिंदुस्तान में आया. पूरा हिंदुस्तान इस घटना से, इस पूरे जो संतरासी घटना है, इससे दुखी हैं. और हम यही अंत में करना चाहेंगे निवेदन पूरे विश्व के साथ कि ऐसी घटनाएं फिर दोबारा कहीं ना हो. और जो घटना घट चुकी है उसके लिए हम बहुत दुखी हैं और इस दुख को प्रकट करने के लिए आज हमने अपने स्कूल में शोक मनाया है. हर गली में, हर गली मोहल्ले में एंटी टेररिज्म का आवाज़ उठना चाहिए और इसको रोकने के लिए हम सबको मिलकर ही करना. इसको, ये जो घटना हो रही है ये मानव कर रहे हैं और मानव ही इसको रोक सकता है. इसके लिए कोई ईश्वरीय शक्ति अलग से नहीं आएगी, हम सभी ही मिलकर के इसको रोक सकते हैं. और हम सबको इस घटना के लिए बहुत दुखी होकर के और इस घटना के लिए हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए, प्रण करना चाहिए कि आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं हो पाएंगी और हम इसको रोकने का पूरा भरोसा प्रयत्न करेंगे. आज हम अपने स्कूल की तरफ से बहुत ही दुख प्रकट करते हुए बहुत ही मर्माहित हैं इस घटना को सुन करके. और हमने अपने स्कूल की तरफ से पूरे विश्व को ये संदेश देने की कोशिश की है. उम्मीद है, आशा है और हम निश्चिंत हैं कि ये घटना अब
कभी नहीं होगी, कहीं और नहीं होगी, क्योंकि हम सब मिलकर के इसका मुकाबला करेंगे, इसे रोकेंगे और आइंदा से ऐसी घटना न हो इसका पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे। हम सिर्फ मानव जाति ही नहीं, हम सिर्फ जो देश विदेश की सरकारें हैं उन तक भी हम अपनी स्कूल की, ये छोटी सी स्कूल है, ये त्रिपुरा के स्टेट में एक छोटी सी स्कूल है, इसकी तरफ से हम पूरे विश्व में यह संदेश फैलाना चाहते हैं, देना चाहते हैं कि हर देश और देश विदेश की सरकारें मिलकर के भी मानव जाति को ये सहायता करें ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और इस घटना के लिए जो दोषी हैं उनको पकड़कर उनको जो भी सजा मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मानव जाति के दुश्मन हैं और ऐसे दुश्मनों को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, ताकि इनकी सजा को देख करके और आगे होने वाली घटना है वो भी बंद हो सकें और मानव जाति का ये संहार मिट सके, बंद हो सके। इसलिए हम सब मिल करके आज प्रतिज्ञा करते हैं, प्रण करते हैं कि आगे से ऐसी घटनाएँ हम नहीं होने देंगे।